Any rendering in pencil looks attractive because of the use of light and dark shades. It helps to create volume in any form. We must study carefully what the light does as it travels across the surfaces. Various tonal values can be achieved by 1. Varying the pressure on the pencil, 2. Varying the grade of the pencil, 3. Repetition and overworking. There are two ways of holding the pencil while shading. 1. Writing position, 2. Underpalm position. हेलो स्टूडेंट्स, पेंसिल शेडिंग में अब हम एक और नया असाइनमेंट करेंगे। आपको याद होगा प्राइमरी क्लासेस में जब आप थे तो आपने इस लीव्स को पेपर के नीचे रख के इसका इम्प्रेशन लिया होगा, याद आया आपको? तो आज हम उसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप की लीव्स हैं यहाँ पर। जब आप लीव सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसको टच करके चेक करना है कि उसके पीछे जो है वो थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए। अगर ये टेक्सचर अच्छा उभरा हुआ नहीं होगा तो जब आप इसको इम्प्रेशन लोगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको लीफ लेते वक्त बैक साइड सेलेक्ट करना है कि वो अच्छा सा उभरा हुआ टेक्सचर हो। उसके बाद आप इन सभी लीव्स को पानी से धो लीजिए, इन्हें सुखा लीजिए, इनमें जो भी डस्ट लगी होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद अब हम असाइनमेंट करेंगे। तो असाइनमेंट करने के लिए आपको याद होगा, आपने पहले भी किया होगा, मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैं सिंपल A4 साइज़ पेपर ले रही हूँ, एक वेस्ट A4 साइज़ पेपर है, पीछे तरफ प्रिंट है, मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। ड्राइंग कॉपी का पेज थोड़ा सा थिक होता है इसलिए, और ये A4 साइज़ पेपर थोड़ा थिन होता है इसलिए हम ये पेपर यूज़ करेंगे। अगर हम ड्राइंग कॉपी पर पेज पर इम्प्रेशन लेने की कोशिश करते हैं तो वो थिक होने की वजह से अच्छे से इम्प्रेशन नहीं आता है, इसलिए मैंने थिन वाला A4 साइज़ पेपर लिया है। ये देखिए, ये नीचे लीफ रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने पेपर लिया है। मेरे पास 6B पेंसिल है, मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इस लीफ का इम्प्रेशन अपने A4 साइज़ पेपर पर ले रही हूँ। इम्प्रेशन लेते वक्त ध्यान रखिए, आपकी लीफ जो है वो मूव नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह पर रहनी चाहिए। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मैंने लीफ का इम्प्रेशन ले लिया। ठीक है, देखिए, कोशिश करिए कि जो लीफ के पीछे तरफ का हिस्सा है वो वाला जो इम्प्रेशन है वो अच्छे से आए, उसकी सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखे। ये देखिए, ये अभी अच्छे से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके बाहर में जो हमारा शेडिंग पार्ट निकला है, लीव शेप के बाहर हमारा जितना शेडिंग पार्ट निकला है उसको हम मिटा देंगे। ठीक है, मैंने पहले से कुछ शेडिंग करके रखे हुए हैं, ये देखिए, ये मैंने शेडिंग करने के बाद उसका जो बाहर में पेंसिल निकला हुआ था उसे मैंने मिटा दिया। तो इस तरह से आपको पहले शेडिंग पेंसिल से लीफ का इम्प्रेशन एक A4 साइज़ पेपर पे लेके रखना है, उसके बाद हम वाटर ड्रॉप की असाइनमेंट इस लीफ के ऊपर करेंगे। ओके, अब लीफ के ऊपर हम वाटर ड्रॉप बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको अभी तक वाटर ड्रॉप के 6 स्टेप्स याद हो गए होंगे। तो जैसा हमारा स्टेप्स में था, फर्स्ट स्टेप था ड्राइंग। तो अब हम इस लीफ के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स का ड्राइंग करेंगे। ये देखिए, ये एक, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ आसपास, कुछ दूर दूर। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद में सेकंड स्टेप था कि जैसे लाइट हमारी यहाँ से आ रही है तो हमारा जो ये पार्ट है वो डार्क होगा। तो हम धीरे धीरे अपनी वाटर ड्रॉप का लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसे डार्क करना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, ये मैंने लेफ्ट साइड डार्क किया,
इसी तरह से आपको शेडो की साइड पर भी डार्क करना है। ओके, तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने लेफ्ट साइड में जिस तरफ से लाइट आ रही है वहाँ का जो एरिया है वो डार्क किया, उसके अलावा मैंने शेडो साइड का एरिया डार्क किया। ये डार्क करने के बाद में आपको राइट साइड का जो एरिया है उसको रबर से इरेज करते हुए थोड़ा सा लाइट करना है। आपको पूरा नहीं मिटाना है, अगर आप पूरा मिटा दोगे तो जो नीचे जो लीफ का जो इम्प्रेशन है वो भी इरेज हो जाएगा, वो इरेज नहीं होना चाहिए। आपको बहुत हल्के हाथ से इसको मिटाना है, फिर धीरे धीरे हम बाकी के स्टेप्स ट्राई करेंगे। हम इसकी डार्कनेस को और बढ़ाएंगे क्योंकि डार्क एरिया में हमको एक हाईलाइट भी बनाना है, फिर हम इसके नीचे के शेडो का एरिया भी डार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम मर्जिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा था हमने वहाँ पर मर्जिंग किया था, यहाँ पर हम मर्ज नहीं कर रहे हैं वो पेपर पीस लेकर। अब मैं यहाँ पर इस तरह से एक हाईलाइट बना दूंगी, तो इस तरह से हमारी जो है लीफ के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स बन जाएंगी। इस तरह से आपको अपनी बाकी दोनों वाटर ड्रॉप्स भी बनानी हैं। ये देखिए मेरा वाटर ड्रॉप कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की लीव्स बनाई हैं आपने, शेडिंग की हैं, उसमें आप वाटर ड्रॉप बनाइए और अपने इस असाइनमेंट को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।